सब्सक्राइब कीजिए इंटरनेट टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेट टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बीगो वीडियो के बारे में। अगर आपके सामने भी बीगो वीडियो पर फ्लेम ना मिलने की समस्या है तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपनाते हैं तो यहां से कुछ फ्लेम तो डेली अर्न कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन में फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद चले जाना है आपको अपने मोबाइल की स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा एंड्रॉइड का। दोस्तों, आपको जो है एंड्रॉइड के फोल्डर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद डेटा में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल सारी एप्लीकेशन के केसेस फाइल के फोल्डर्स जो है ऑटोमेटिकली बन जाते हैं और यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशन के फोल्डर मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ से फोल्डर सर्च करना होगा com.ss.android.ugc.vom। तो दोस्तों, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। हमने जो है यहाँ पे सर्च कर लिया है ये फोल्डर। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर और दिखाई देगा केसेस का। केसेस के अंदर आपको वे सारे फोल्डर मिल जाते हैं जो भी फीचर आपको बीगो वीडियो के अंदर देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे वीडियो का फोल्डर सेलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे चार फाइल्स दिखाई दे रही होंगी। मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी वीडियो आप बीगो वीडियो पर जाकर वॉच करते हैं वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। ये दोस्तों केसेस फाइल है। अब आपको जो है एक किसी भी फाइल पे क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पे सबसे नीचे वाली फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने प्ले हो जाती है वीडियो, जिस वीडियो की वह केसेस फाइल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से बैक करके बैक जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये वीडियो जो है यहाँ पे वॉच की थी बीगो वीडियो पर। तो सिंपली मैंने यहाँ से जो है बीगो वीडियो को ओपन किया। ओपन करने के बाद एक वीडियो में यहाँ पे वॉच कर लेता हूँ। ये वीडियो मैं यहाँ पे वॉच कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को यहाँ पे वॉच कर लिया है। वॉच करने के बाद मैं चले जाता हूँ फिर यहीं पे फाइल मैनेजर की केसेस फाइल में। तो वो वीडियो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। हम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं, शायद ये वाली वीडियो वही है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं वही वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो भी वीडियो आप वहाँ पे वॉच करते हैं या फिर स्क्रॉल करते हैं तो सारे स्क्रॉलिंग वीडियो जो है यहाँ पे आ जाती हैं और सारी वॉचिंग वीडियो भी यहाँ पे आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को बनाना है MP4 फाइल तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना होगा। इसको जो है रिनेम कर देना है। रिनेम करने के बाद दोस्तों आप इसको कुछ भी नाम देंगे, विदाउट स्पेस यहाँ पे डॉट लगाएंगे, MP4 लिख देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके कर देंगे और यहाँ पे ये बोल रहा है आप इस वीडियो की एक्सटेंशन जो है चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे। हमारी जो वह केसेस फाइल थी उसकी एक्सटेंशन चेंज होकर MP4 हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वह वीडियो बन चुकी है, वो भी MP4। दोस्तों, यहाँ से बैक कर लेना है। बैक जाने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यही कारण होता है सिर्फ एक के, आपको जो है बीगो वीडियो के 2 अकाउंट पर फ्लेम नहीं मिल पाते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप अपने स्मार्टफोन में 2 अकाउंट यूज कर रहे हैं तो दोनों ही अकाउंट की केसेस फाइल जो है आपके इसी एंड्रॉइड के केसेस फोल्डर में जाती हैं, जिसके कारण दोस्तों बीगो वीडियो पता लगा लेता है कि अकाउंट तो इस डिवाइस में 2 यूज हो रहे हैं और एंड्रॉइड केसेस फाइल का जो है सिर्फ एक ही फोल्डर है जिसमें दोनों ही फाइल जा रही है। दोस्तों, इसके कारण से ही आपको 2 अकाउंट पर फ्लेम नहीं मिल पाते। ऐसे में आपके दोनों ही अकाउंट कॉपीराइट हो जाते हैं और आपकी वीडियो की रिकमेंडेशन जो है खत्म हो जाती है, जिसके कारण आपकी वीडियो व्यूअर के सामने नहीं जाती और व्यूअर जो है आपकी वीडियो को नहीं देख पाते। दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा अगर आपके जो अकाउंट है वो कॉपीराइट हो चुके हैं और आपने 2 अकाउंट वहां पे लॉगिन कर लिए थे। तो आपको जो है सबसे पहले तो अपने मोबाइल में से बनाए गए क्लोन अकाउंट को डिलीट कर देना है और फिर आपको सिर्फ अपने एक पर्सनल अकाउंट को लॉगिन करना है अपनी एक बीगो वीडियो की एप्लीकेशन में। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो है फाइल मैनेजर में जाना है और यहां से आपको सिंपल एंड्रॉइड के फोल्डर को ही डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको बैक चले जाना है यहां से। तो मैं दोस्तों यहां पे बैक कर लेता हूं। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल यहां पे बैक आ गया हूं और यहां से जो है मैं सारी एप्लीकेशन की फोर्स स्टॉप कर देता हूं।
उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रहे कि अब जो है आपको कभी भी अपने स्मार्टफोन या फिर डिवाइस में दो बीगो वीडियो अकाउंट लॉगिन नहीं करने हैं या फिर कोई भी क्लोन अकाउंट नहीं बनाना है। अगर दोस्तों आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपको जो है 2 से 4 दिन के अंदर यहाँ पे आपकी वीडियो पर कुछ ना कुछ फ्लेम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप जो है यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा प्रोसेस जो है आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वाकई आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी इस प्रकार की वीडियोस अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने चैनल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।